पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पी चिदम्बरम को लेकर दिया बड़ा बयान। मनमोहन सिंह ने कहा कि जब अधिकारी जिम्मेदार नहीं तो फिर चिदम्बरम कैसे। उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मंत्री की ही नहीं होती है। सोमवार को जेल में मिलने पहुंचे थे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। बैंकों की हड़ताल टली। वित्त सचिव राजीव कुमार के साथ बैठक के बाद यूनियनों ने लिया फैसला, जिसमें हड़ताल को टालने का फैसला लिया गया। 10 बैंकों का एकीकरण कर 4 बैंक बनाने की घोषणा के खिलाफ 26 सितंबर और 27 सितंबर को 2 दिन की हड़ताल पर जाने की घोषणा थी। स्वच्छ भारत अभियान के लिए अमेरिका में पीएम मोदी को आज मिलेगा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। भारत में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा मोदी को 50 करोड़ लोगों को स्वच्छता प्रदान करने के लिए अवार्ड। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, खुलेंगी घाटी में बंद पड़े 50,000 स्कूल कॉलेज और मंदिर। पिछले कई सालों से बंद पड़े मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार। केंद्र सरकार आने वाले समय में कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिरों को फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाली अरुणाचल की पहली महिला अफसर बनी पोंग डोमिंग। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला शैलजा धामी बनी IAF में फ्लाइंग यूनिट में फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट में आतंकी कैंपों को फिर से सक्रिय कर दिया है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के एयर स्ट्राइक में बालाकोट को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान इस जगह पर फिर से आतंकी गतिविधियां करने लग गया है। युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर में पुलवामा में खुला इंटरनेट फैसिलिटी सेंटर। सेंटर आकर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं छात्र। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उठाया ये कदम। कई दिनों से बंद पड़े थे इंटरनेट सेवाएं। गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा बयान, वन नेशन वन कार्ड को लेकर कही बड़ी बात। पासपोर्ट, वोटर, आधार, सबके लिए एक ही मल्टीपर्पज कार्ड। अमित शाह ने इन सबको एक कार्ड में समाहित करने के लिए कहा है। UN में जलवायु परिवर्तन पर भारत के पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत का समय खत्म हो चुका है, अब दुनिया को काम करना होगा। साथ ही उन्होंने वैश्विक जलवायु कार्यवाही प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान को रेखांकित किया है। पाक के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कश्मीर का कार्ड खेला और वह एक बार फिर फेल हो गया। ट्रंप ने यह कहकर इमरान खान को झटका दे दिया कि कश्मीर पर वह तभी मध्यस्थता करेंगे जब भारत इसके लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है।